गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब जो हम चैप्टर्स करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, लाइक चैप्टर 4, 5, 6, 7, ये काफ़ी ईजी चैप्टर्स है और आप सबको इसका बेसिक आइडिया है। बट ये सारे चैप्टर स्कोरिंग भी है, तो ध्यान रखना, साथ साथ पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये हमें बताता है कि हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है क्रोनोलॉजिकल, उसमें क्या करते हैं हम डेटा को स्टेप बाय स्टेप हमें अरेंज करना होता है। तो सिंपली अगर मैं दो बेसिस बताऊं बेटा, पहला जो बेसिस ये बोलते हैं, ये बोलते हैं कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है 7, 9, 11, 3, 2, 4, 10। अब इसको मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं सिंपली बोलूँ, असेंडिंग का मतलब होता है बेटा छोटे से बड़ा। तो कैसे अरेंज करोगे, सबसे पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया और 11 हो गया। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। जब मैं डेटा को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में अरेंज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली एक और बेसिस आता है बेटा कि डेटा को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो अगर इसी को मैं लूं तो इसका मतलब है क्या, बड़े से छोटा। तो देखो, अगर मैं इसको पहले लूं तो पहले आएगा 11, फिर आएगा 10, 9, 7, 4, 3, 2। तो जब मैं वैल्यूज को छोटे से बड़ा अरेंज करता हूं, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, और जब बड़े से छोटा हम अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस चैप्टर में हमें पूरा बेसिस पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले दो बेसिस बताए कि सर डेटा को असेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे और डिसेंडिंग में कैसे अरेंज करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल टॉपिक था। अब देखो, मैं इस टॉपिक के, इस चैप्टर के जो कुछ एक टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो लेता हूँ। सबसे पहले आता है कि सर इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी, कि सर इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करें, तो सर इंडिविजुअल सीरीज कौन सी है। तो आप सभी लोग ध्यान देना, इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करें, तो कोई भी सीरीज जिस पर केवल सिंगल एक डेटा दे रखा है, जैसे एक्स दे रखा है 7, 9, 11, 4, 15, और फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, मतलब एक सिंगल डेटा दे रखा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। उसको क्या बोला गया बेटा, इंडिविजुअल सीरीज। मतलब जब एक सिंगल डेटा हमें गिवन होता है, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है? तो और इसको अपन डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो आई होप इस वाले पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके अंदर जो मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जो एग्जाम में आ सकता है, तो हम लिखते हैं और उन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो बेटा, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। तो हम बात करेंगे अब एक टॉपिक है अपना, फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। देखो, मुझे एग्जांपल गिवन है 11, 12, 14, 11, 16, 11, 17, 16, 17, 14, 17, 18, 20, 14, 20, 17, 14, 20। आपको फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट करना है। अब देखो, नाम से तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, और अगर मैं सिंपल बोलूँ तो आपको टैली मार्क्स बनाने हैं। टैली मार्क्स याद है आपको, पढ़े होंगे आप लोगों ने। सर बिल्कुल पढ़े हैं। तो देखो, हम कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे देखना आप लोग। मैं लिखता हूँ मार्क्स जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ लिखता हूँ टैली बार्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट में लिखता हूं फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो आप सभी लोग देखना, सबसे पहले मुझे दे रखा है 11, तो काउंट करो 11 कितनी बार आ रहा है। सर 1, 2, 3, तो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 1, 2, 3, तो ये 3 टैली मार्क मैंने बनाया और 11 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट में बात करता हूं 12। सर 12 कितनी टाइम आ रहा है, 1 टाइम, तो 12 को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है बेटा 14। सर 14 कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4, तो 4 टाइम्स क्या आ रहा है बेटा अपना, 14 आ रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा 16, और वो कितने टाइम आ रहा है, सर 2 टाइम्स, तो मैं अगर इसको डालूँ तो 2 टाइम्स मैंने
16 को रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज 2। और सर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम बात करते हैं 17 की, तो 17 काउंट करना कितने टाइम है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। तो देखना आप 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये क्या आ गया बेटा 17 अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। लास्ट बेटा 18, वो कितने टाइम है, 1 टाइम। और फिर लास्ट बेटा आता है 20, सर 20 कितने टाइम आ रहा है देख लो, 4 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, और इसको टोटल आप कर दीजिए तो कितना आया 20। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी एरे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखना एग्जाम में ऐसा ही लिखा हुआ आएगा कि प्लीज प्रेजेंट द डेटा एज अ फ्रीक्वेंसी एरे, तो याद रखना क्या बनाने हैं हमें, टैली मार्क्स बनाने हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है देखना, नोट डाउन करते रहना साथ साथ, जितना पढ़ा रहा हूं उतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है बेटा अपना एक्सक्लूसिव सीरीज, कि सर ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज है अगर हम इसको पढ़े तो इन्होंने लिखा इट इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवेल excludes items corresponding to its upper limit, exclude item corresponding to its upper limit। अगर सर आप केवल डेफिनेशन को पढ़ो तो आपको समझ ही नहीं आएगा। इट इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवेल एक्सक्लूड आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट, मतलब जो भी आइटम्स अपर लिमिट में है वो हम एक्सक्लूड करते हैं। सर कैसे, तो इसका एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो लिखना 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35, और मुझे कुछ डेटा गिवन है लाइक फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 5, 8, 5, 4। अब इस सीरीज में एक चीज नोटिस करना, इसका जो अपर लिमिट है और जो अगली वाली का लोअर लिमिट है दोनों क्या है सेम। जब भी एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट सेम रहेगा उस सीरीज को हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। तो अब पढ़ो, इट इज दैट सीरीज इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट, मतलब जो 15 आइटम होगा वो इस सीरीज में काउंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट वाली सीरीज में काउंट होगा। जो 20 या 20 से ऊपर की वैल्यूज होगी वो यहां काउंट नहीं होगी, वो नेक्स्ट सीरीज में काउंट होगी। इसलिए बोला एक्सक्लूड्स आइटम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स अपर लिमिट। सपोज करो 21 दे रखा है तो वो तो सर इधर ही आएगा, और 20 दे रखा है तो इसमें या इसमें, इसमें, क्योंकि सर अपर लिमिट हमेशा इसको एक्सक्लूड करेगा। और सिंपल तरीका बोलूं तो एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरी का लोअर लिमिट जब भी सेम होगा दैट सीरीज इज नोन टू बी अ एक्सक्लूसिव सीरीज। तो बेटा ये अपन एक टॉपिक पढ़ा कौन सा, कि सर एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। चलो पढ़ लो फटाफट से, उतरो, उतार लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज की, इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। सर देखो पढ़ते, एन इंक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज विच इंक्लूड्स आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट, अप टू इट्स अपर लिमिट। तो जो इंक्लूसिव सीरीज है वो अपर लिमिट वाले आइटम को भी इंक्लूड करेगा। सर इसका एग्जाम्पल तो अपन एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, देखना आप लोग 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 35, और मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी 4, 5, 8, 5, 4। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करूं
तो सर इसके अंदर एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट सिमिलर नहीं है, क्या है बेटा दोनों अलग अलग हमें गिवन है। सर 19 और 20 ये भी सेम नहीं है, मतलब इस बार तो चीज ही क्लियर हो गई, मतलब 14 तक सारी वैल्यू ऊपर काउंट होगी। तो जब एक क्लास का अपर लिमिट और दूसरी का लोअर लिमिट सेम होगा तो कहलाएगी एक्सक्लूसिव सीरीज, जब एक क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और दूसरी का लोअर लिमिट डिफरेंट होगा तो कहलाएगी इंक्लूसिव सीरीज। और डेफिनेशन मैंने क्या बताई, इट एक्सक्लूड्स द अपर लिमिट, इट इंक्लूड्स द अपर लिमिट, क्लियर है बेटा। ये दो तरह की सीरीज अपन ने देखी सर, एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है और इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, क्लियर है बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है बेटा वो आता है कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल दे रखा है बेटा, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 एंड 30 to 34। तो सर अगर मैं सिंपल बात बोलूँ कौन सी सीरीज गिवन है मुझे, सर ये सीरीज मुझे गिवन है इंक्लूसिव सीरीज, क्योंकि सर इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट दोनों अलग अलग है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो जिसमें मैंने मीन मीडियन मोड भी पढ़ाया था आपको, हमेशा पहले हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है ध्यान रखना, आप क्या करो लोअर लिमिट में, तो आप क्या करो जो हमें लोअर लिमिट गिवन है उस लोअर लिमिट में तो 0.5 माइनस कर दो, और जो अपर लिमिट हमें गिवन है उसमें 0.5 प्लस कर दो। तो अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये 10 में से 0.5 गया, सर ये कैसे निकाला आपने, 0.5 ही माइनस करना है। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 14 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो। इस तरीके से अपन 0.5 निकाल लेंगे, और जनरली ये 0.5 ही आएगा जितनी भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाकी अलग अलग वैल्यूज भी आती है बट ध्यान रखना। तो देखो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 9.5 टू 14.5, सिमिलरली यहां माइनस यहां प्लस, तो ये हो गया 14.5 टू 19.5, यहां माइनस यहां प्लस, तो ये हो गया 19.5 टू 24.5, यहां माइनस यहां प्लस, 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5। अब देखना, और जो फ्रीक्वेंसी वो मैं लिख देता हूं, तो अब देखना सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमने इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको क्लियर हुआ होगा सर एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी थी, इंक्लूसिव सीरीज कौन सी थी, और इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, उतार लो फटाफट से। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है बेटा वो आती है अपनी मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज देखना, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक एग्जांपल अपन लेते हैं। मुझे मिड वैल्यू गिवन है कितनी कितनी बेटा, 5, 15, 25, 35 और 45, और मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है बेटा, 6, 5, 11, 9, 8। अब इस मिड वैल्यूज को मुझे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, तो सर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो मैं सिखाता हूं आपको लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड L1। तो उसका फॉर्मूला है m माइनस हाफ ऑफ i। तो मैंने क्या बोला, m माइनस हाफ ऑफ i। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं अपर लिमिट की,
सर अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एल टू, वो होता है बेटा एम प्लस हाफ ऑफ आई। तो देखो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, लोअर लिमिट दैट इज एल वन वो कैसे निकाला अपन ने, एम माइनस हाफ ऑफ आई, और अपर लिमिट की बात करूं तो मैंने कैसे निकाला, एम माइनस एम प्लस हाफ ऑफ आई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना सब लोग, आप लोग बहुत सिंपल तरीका है। मैं क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं, मैं यहां पे सारी मिड वैल्यूज, पहले मैं बात करता हूं कि लोअर क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे हम लोग, और यहां लिखता हूं मैं सर अपर क्लास इंटरवल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो पहले मिड वैल्यूज उतार दो, फिर मैं उतारता हूं 5, 15, 25, 35 और 45। यहां पर मैं ऐसे उतार लेता हूं 5, 15, 25, 35 और 45। अब आप क्या करो, लोअर लिमिट निकालने में तो सब में क्या होगा, माइनस होगा, तो सब यहां पे तो हम सब चीजें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब लोअर लिमिट क्या करते हैं, बात करूं तो यहां पे तो हम लोग सब चीजें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अपर लिमिट में क्या होगा, सब चीजें प्लस करेंगे। तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि देखो सर माइनस 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 माइनस, और यहां पे प्लस 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 प्लस, क्लियर है बच्चों। अब क्या माइनस करेंगे, हाफ ऑफ आई, आई क्या होगा इसका जो कॉमन डिफरेंस है, देखो सर कितने का डिफरेंस है सब में, 10 10 का, तो आई निकालेंगे जिसे आई है 10, तो अगर इसका हाफ ऑफ आई निकाले तो कितना आएगा, 10 upon 2 दैट इज 5, तो सब लोअर लिमिट में से 5 माइनस कर दो, और यहां पे सब अपर लिमिट में 5 प्लस कर दो, तो देखो ये क्या आया 0 10 20 30 40, ये 10 20 30 40 50। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरी क्लास इंटरवल क्या बनी, 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये अपने आप फ्रेम हो गई क्लास इंटरवल। सर देखो ना 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हमने मिड वैल्यू सीरीज से क्या निकाल ली, लोअर क्लास इंटरवल और अपर क्लास इंटरवल। तो आई होप बच्चों समझ आया होगा आपको ये मिड वैल्यू सीरीज भी, बस ये बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स अपन कर रहे हैं, अभी 3-4 चैप्टर में यही चीजें सीखनी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं अपन, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। चलो देखो एक एग्जांपल मैं लेके करता हूँ, ये बैक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है पूरी, सारी न्यूमेरिकल इसमें लिखे हुए हैं। तो देखो इन्होंने लिखा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ द एजिस ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। तुम्हें डेटा की बने 15 16 17 18 18 17 15 16 16 17 15 16 16 15 17 17 18 19 16 15। तो आपको फ्रीक्वेंसी सीरीज को अरेंज करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी एरे आपको बनाना है। तो याद है आपको मैंने बनाना सिखाया था, सर बनाते हैं देखो, पहले मैं लिखता हूँ एज, यहाँ लिखता हूँ मैं टैली बार्स, और यहाँ लिखूंगा मैं टोटल। तो देखो पहला सबसे पहला कौन सा है 15, और सर 15 कितनी टाइम आ रहा है, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 15 अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16, ये आ रहा है 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये फिर 16। नेक्स्ट है 17, सर ये आ रहा है कितना, 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है सर हमारी, 18, 3 टाइम्स, और नेक्स्ट कितनी है 19,
वन टाइम, तो ये कितना आ गया टोटल 25। तो इस तरीके से अपन एक एग्जांपल और सॉल्व कर लिया जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और इजी हो जाएगा। तो आपको अब इस चैप्टर में टैली मार्क्स ही बनाने हैं, और मैंने आपको सिखा दी एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है, और एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मिड वैल्यू सीरीज से हम लोग कैसे निकालेंगे क्या चीज बेटा, लोअर क्लास इंटरवल और अपर क्लास इंटरवल। तो बेसिकली चैप्टर नंबर जो 4 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसमें यही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं एंड आई होप। और हाँ, एक और चीज मैंने बताई थी कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में और डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो यहां तक का पार्ट आपको करना है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना बेटा स्टेट्स के अंदर, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके अंदर हमें पढ़ना है कि डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, दैट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। उसके बाद आएगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर्स है, तो ये चैप्टर्स बहुत ईजी भी है, बट नहीं पढ़ोगे ना तो समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी एरे, आपको पता ही नहीं टेलीमार्क्स बनाने, पता होता तो आप बना भी आओ। तो इनको पढ़ना, पढ़ोगे तो क्या स्कोरिंग भी है, तो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं चैप्टर्स। तो आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा। अभी अपन ने चैप्टर नंबर 4 एंड किया है, इसकी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करना। कोई भी डाउट आता है कोई भी न्यूमेरिकल के अंदर तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी, सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पीछे सॉल्व क्वेश्चंस भी दे रखे हैं बुक के अंदर और अनसॉल्व भी दे रखे हैं, तो आपको सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व दोनों सॉल्व करने हैं। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर हम 4 यहाँ वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5। हैव अ गुड डे, बाय ऑल ऑफ यू।